Hello everyone, welcome to the DF English, and today we will try to know what is adjective. इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि adjective क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं adjective क्या होता है. सबसे पहले हमें यहाँ नजर डालना है कि इसे जो इसका pronunciation होता है इसे हम adjective नहीं कहते हैं. इसे adjective नहीं कहा जाता है बल्कि यहाँ पे d silent होता है और इसे पढ़ा जाएगा एजेक्टिव. एजेक्टिव एजेक्टिव कहा जाएगा इसको. चलिए अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि एजेक्टिव कहते किसे हैं. हम एजेक्टिव को देखते ही कैसे पहचान ले, तो इसके लिए एक डिफिनेशन बनाया गया है. द वर्ड दैट टेल अस द क्वालिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड एजेक्टिव. मतलब वह सब जो नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के गुण को बताए वो शब्द हमारा एडजेक्टिव हो जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, दिस इज अ, या एग्जाम्पल समझिए, ही इज अ बॉय. यहां पे लिखा हुआ है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है. इसी में लिखते हैं अगर बैड, ही इज अ बैड बॉय. तो यहां पे देखिए जो ये बैड वर्ड है ये लड़के के बारे में बता रहा है, अर्थात नाउन के बारे में बता रहा है. ये बॉय नाउन है. अब ये बॉय के बारे में ये बैड बता रहा है कि बैड है, कैसा है, अच्छा है, बैड है, कैसा है, ये हमें बैड वर्ड बता दे रहा है. इसलिए ये बैड वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. कहा गया है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, तो यहाँ पे जो नाउन है बॉय, अब बॉय के बारे में बता रहा है बैड वर्ड, इसलिए ये बैड हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव. और एग्जांपल देखिए, वह लंबा लड़का है, एक लड़का है वह लंबा है. तो यहाँ पे जो लंबा वर्ड है ये लड़के के बारे में बता रहा है, इसलिए वहां पे लंबा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा. इस प्रकार बहुत सारे वर्ड है जैसे छोटा, मोटा, ऊंचा, नीचा, ये सब हमारे अक्सर एडजेक्टिव ही हुआ करते हैं. चलिए तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बेसिक जानकारी हुआ होगा कि आप एडजेक्टिव को कैसे पहचाने. चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव को. यहाँ पर हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है. पहले भाग को कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरे भाग को कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने कि वह एडजेक्टिव जो बिफोर नाउन, जो नाउन के पहले यूज हुआ हो, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है. जैसे जैसे लिख दिया जाए ही इज अ बैड बॉय. यहां पे देखिए बॉय हमारा है, बॉय के पहले एक एडजेक्टिव है बैड. अब ये नाउन के पहले यूज हुआ है इसलिए बैड हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये कंसेप्ट. अभी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो आफ्टर नाउन, या तो नाउन के बाद आया हो या वो स्वतंत्र आया हो, तो उसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे अगर यही लिख दे ही इज हैंडसम, तो यहां पे हैंडसम ये हमारे नाउन या प्रोनाउन के गुण को बता रहा है. हैंडसम हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. प्रेडिकेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के बाद में या तो स्वतंत्र आया है, तो इसलिए ये हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. लेकिन अगर यही होता ही इज हैंडसम बॉय, तो यहां पे हमारा हैंडसम के बाद बॉय लग जाता, इसलिए वहां पे हैंडसम हमारा क्या हो जाता, एट्रीब्यूटिव हो जाता, तो प्रेडिकेटिव नहीं होता. लेकिन यहां पे नाउन या प्रोनाउन उसके बाद नहीं आया है, इसलिए ये हैंडसम हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. उम्मीद करते हैं आपको ये एडजेक्टिव के बारे में बेसिक जानकारी हुआ होगा. अभी एडजेक्टिव के ये दो पार्ट हैं. एडजेक्टिव को लगभग 10 रूप होते हैं, उन 10 को हम कभी डिटेल में समझेंगे. अभी आज बेसिक जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको एडजेक्टिव के बारे में समझ में आया होगा. चलिए एडजेक्टिव के हम कुछ मौखिक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, तो अगर कहा जाए वह सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का है, तो लड़का हमारा हो जाता है नाउन, नाउन के पहले जो आया वो एडजेक्टिव, तो ये हो गया हमारा सुंदर एडजेक्टिव हो जाएगा. एक साधारण से साधारण मतलब समझिए एडजेक्टिव का दूसरा रूप, कि जो शब्द या जिस शब्द के बाद कोई ना कोई नाउन आए, क्या
जिस शब्द के बाद कोई ना कोई नाउन आए तो वो शब्द हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। एग्जांपल के तौर पे चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए मिटा रहे हैं। क्या कहा गया है उसमें, कहा गया है जिस शब्द के बाद, जिस एक मिनट रुकिए, जिस शब्द के बाद कोई ना कोई नाउन आए उस शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, दिस इज ए। अब देखिए दिस इज ए, ये ए एक हमारा अधूरा वर्ड, अधूरा सेंटेंस है। इससे पता चल रहा इसके बाद कोई ना कोई एक वर्ड आना ही आना है। अगर इसके बाद नाउन आ गया तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे दिस इज अ मैंगो, अब मैंगो हमारा नाउन। नाउन के पहले एक कंसेप्ट याद रख लीजिए, नाउन के पहले जो भी शब्द आता है वो शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले जो भी शब्द आता है वो हमारा एज ए एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ए आर्टिकल तो है, डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा एडजेक्टिव भी है। और ये एडजेक्टिव में अगर हम कहें आपको तो देखिए नाउन के पहले आया है इसलिए ये हमारा एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। उम्मीद करते हैं आपको एडजेक्टिव के बारे में भी कंसेप्ट समझ में आया। चलिए एक इसके लिए एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं, हिज बॉय, हिज बॉय इज बैड। अभी देखिए यहां पे बैड हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि हिज बॉय एक नाउन है और ये हिज बॉय के बारे में बता रहा है, उसके लड़के की क्वालिटी को बता रहा है। कौन बता रहा है, ये बैड वर्ड बता रहा है कि उसका लड़का की क्वालिटी कैसी खराब है कि अच्छी है, तो इसलिए बैड वर्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव। इसके साथ साथ बॉय लड़का है, लड़का के पहले जो वर्ड आए हम कहें वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हिज हमारा एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये हिज हमारा एज एडजेक्टिव। इसलिए अगर हम कहें तो इस वर्ड में दो एडजेक्टिव है, एक हिज है और एक बैड है। उम्मीद करते हैं आपको एक पूरा कंसेप्ट एडजेक्टिव के बारे में समझ में आया होगा। इसी प्रकार अन्य भी वीडियो आपको दिए जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।